नमस्कार, आज हम आए हैं सुनील दत्त कोठारी जी के पास, जो आज हमें जानकारी देंगे शिव योग कृषि के बारे में, जो पौड़ी गढ़वाल के चेलुसेन क्षेत्र में है। तो अभी हम जानते हैं सुनील जी से कि शिव योग कृषि क्या है। सुनील दत्त जी, बताइए आप। नमस्ते शिवाय, मेरा नाम सुनील दत्त कोठारी है और मैं संबंधित हूँ द्वारिखाल ब्लॉक से, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड के इस मध्यवर्ती इलाके में हम लोग शिव योग कृषि का पालन कर रहे हैं। इस कृषि के अंतर्गत हमारा जो कार्यक्रम है, हमारी खेती को शिव के साथ जोड़ने की एक परंपरा है, जो कि हमारे गुरु डॉक्टर शिवानंद अवधूत जी के आशीर्वाद से हमें यह प्राप्त हुई है। सर, जो शिव योग कृषि है, ये कैसे हम शुरू कर सकते हैं? नमस्ते शिवाय, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिव योग कृषि हमारी अवधूत परंपरा, यानी कि जो हमारे सिद्ध मुनिजन थे, वो जो कृषि प्रणाली में जिस प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, उसको हम शिव योग कृषि कहते हैं। यानी कि शिव योग कृषि का शाब्दिक है शिव के साथ कृषि करना, यानी कि अपने कृषि कार्यक्रम में शिव की आराधना करके उसका प्रतिफल लेना। और ये एक अनूठी परंपरा है जो हमारे डॉक्टर अवधूत जी, हमारे गुरु अवधूत शिवानंद जी के द्वारा हमको ये प्रदान की गई। जब मैं नासिक में था तो मैंने वहाँ पर बहुत से ऐसे कार्यक्रम देखे जिनके द्वारा वहाँ के क्षेत्रीय लोग इस कार्यक्रम का प्रचार कर रहे थे और कृषि उपज में अनोखे प्रयोग कर रहे थे। जब मैं अपने मूल गांव पौड़ी गढ़वाल में चेलुसेन द्वारिखाल ब्लॉक सीला डांडा में आया, तो मैंने इस परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए मुझे क्षेत्रीय लोगों का काफ़ी सुझाव मिला और क्षेत्रीय लोगों के साथ, सभी के साथ मिलकर मैंने ये शिव योग कृषि साधना की शुरू की। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कृषि में साधना है, इससे क्या अभिप्राय है क्या ये साधना का अभिप्राय ये है कि हम लोग जो कृषि एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम शिव के साथ जोड़ना है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये एक प्रक्रिया है जो हीलिंग का पार्ट है, जिसमें हम सूर्य को अपना केंद्र बिंदु लेकर सूर्य के द्वारा, सूर्य का आह्वान जो हमारे गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है, हम सूर्य को आह्वान करते हैं। सूर्य हमारे को एक एनर्जी प्रदान करता है हमारे हथेलियों को, और हथेलियों के द्वारा हम जिस भी क्षेत्र में अपनी कृषि कर रहे हैं उसमें प्रवाह करना होता है। यानी कि उस सकारात्मक ऊर्जा को कृषि के रूप में, कृषि के उपज को बढ़ाने के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। ये साधना सुबह और साय हम लोग सभी ग्रामीण निवासी अपने अपने खेतों में जाकर 20 मिनट का कार्यक्रम करते हैं। ये जब भी आप अपने कार्यक्रम में कृषि का शुरुआत करते हैं, तो 20 मिनट सूर्य की साधना की जाती है। उसमें हम हील करते हैं, अपने गुरु का स्मरण करते हैं, अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, अपनी आराध्य माता का, अपने पितृपूर्वजों का स्मरण करते हैं। स्मरण करने के बाद सूर्य को हम लोग केंद्र बिंदु लेकर अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर हम लोग एक एनर्जी प्राप्त करते हैं, जो हम अपने खेतों में प्रवाह करते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये करीबन 2500 गज के आसपास जगह है जो मैंने एक्वायर की है, उसमें मैं सीवीओ कृषि रोजाना कर रहा हूँ। और क्षेत्रीय ग्रामीण, जो कि हमारा सीला डांडा जीतू गांव या जो क्षेत्रीय गांव है, वहाँ के सभी लोग इस साधना को परिपूर्ण कर रहे हैं और खेती में नए नए अनुभव। जानना चाहूँगा आपसे, क्या आप इस कृषि के फायदे क्या हैं, क्या इसमें आप अजैविक खाद का प्रयोग करते हैं? देखिए, जहाँ तक अजैविक खाद का हमारा कहना है कि अजैविक का मतलब फर्टिलाइजर्स, यानी कि हम उन इंस्ट्रक्ट किलर्स को यूज़ करते हैं जो कि हमारे आर्टिफिशियल वे में होते हैं। इस साधना में आपको 20 मिनट सूर्य को आधार लेकर अपने गुरु के सानिध्य में जो दीक्षित मंत्र है उसका आह्वान करना होता है। इसमें जो आप खाद का प्रयोग करते हैं, अजैविक न करके जैविक करते हैं, यानी कि गोबर के खाद ही इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये पूर्णतः से जैविक रूप में ही उत्पाद होता है गुरु के सानिध्य में। और इसकी, इस कृषि के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि अगर आप देखेंगे कि मैंने खुद ये महसूस किया कि नासिक में मैं देखा, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में इस कृषि के बारे में मैंने देखा, और जब मैंने गुरु दीक्षा ली, लोगों ने अपनी फसल में 10 से 20 गुना फायदा पाया। और आजकल मैं ये सुनता हूँ आए दिन कि उत्तराखंड में जानवरों का काफ़ी प्रकोप है, वो खेतियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आप इस साधना को कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि आपके खेतों पर किसी प्रकार का जंगली जानवरों को ना तो अटैक होगा, ना ही आपका एक एक बीज भी नष्ट होगा। यानी कि संपूर्ण बीज आपको 10 से 20 गुना ज़्यादा फसल देता है। इसी बात का हम प्रयोग द्वारिखाल ब्लॉक में स्थित चेलुसेन, सीला डांडा और ये जो डुबरिया देवता के आसनदे में हम काम कर रहे हैं, इसका ही हम उपज कर रहे हैं। इसके लिए संपूर्ण ग्रामीण के लोग अपने अपने खेतों में इस तरह की प्रक्रिया चला रहे हैं। और इसका मैं सूत्रधार तो नहीं, मैंने गुरु दीक्षा द्वारा इस मंत्र को लिया है, उसी मंत्र को मैं और लोगों को दीक्षित कर रहा हूँ। इस मुहिम में हमारे जो उत्तराखंड के जो क्या बोलते हैं बंजर खेती की जो समस्या है, उसका एक निराकरण का प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं एक पहला व्यक्ति हूँ जो पूरे उत्तराखंड में शिव योग कृषि का पालन कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो शिव योग कृषि, आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग बेसिकली जिस संस्था के अंतर्गत काम करते हैं, हम लोग कोठारी पर्वतीय विकास समिति, जो कि एनजीओ है, जो कि रजिस्टर्ड है हमारा उत्तराखंड से,
और हम लोग UK2UK हॉस्पिटलिटी मार्केटिंग डिवीज़न है, इसके अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसको एक प्रैक्टिकल रूप में अपने गांव क्षेत्र में सीला डांडा में पूरा इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, और इसको बाद में भी एक पाठ्यक्रम के रूप में अन्य समूह, जो कि हम लोग हमारे पास जो करीबन 17 समूह यहाँ पे रजिस्टर्ड है हमारे अंतर्गत कोठारी पर्वतीय विकास समिति के अंदर, उसके अलावा जो हमें ब्लॉक से करीबन 100 समूह जो कि रोड हेड पे हैं यानी कि सड़क के किनारे पे हैं, उनमें हम ये पाठ्यक्रम अपने गुरु के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से इसको हम संपूर्ण उत्तराखंड में लागू करने की पूर्ण आश्वस्त है और कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमन। नमः शिवाय।